अयोध्या में राम मंदिर बनाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है बड़ा बयान। भागवत ने झारखंड के देवघर में कहा कि मुस्लिम और ईसाई राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, बल्कि इनके नाम पर राजनीति करने वाले कट्टरपंथी और गुंडागर्दी करने वाले राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते। कट्टरपंथी और गुंडागर्दी करने वाले नहीं चाहते राम मंदिर। हमारे खिलाफ कोई मत पंथ खड़ा नहीं है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने, इसको इस्लाम की मनाही नहीं है। मैं बात सही कर रहा हूं, इस्लाम की मनाही नहीं है, इसको ईसाइयत मना नहीं करती, इसको मना करती है इस्लाम ईसाइयत के नाम पर चलने वाली राजनीति, उनके नाम पर चलने वाला कट्टरपन और उनके नाम पर चलने वाली गुंडागर्दी। झारखंड में शिव के बड़े धाम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है राम मंदिर पर यह बड़ा बयान। भागवत ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि मुस्लिम और ईसाई राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वो यहां तक कह गए कि राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट से हल नहीं हो सकता। जहां राम जन्मे थे ये युगो युगो से मान्यता है, जिसकी कोई कोर्ट में चिकित्सा नहीं हो सकती, जो श्रद्धा का विषय है और सब भारतवासियों की श्रद्धा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम का जन्म हुआ, वहीं पर हम उसका मंदिर चाहते हैं। इसके लिए हमको इतना लड़ना क्यों पड़ता है? मोहन भागवत का यह बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के राम मंदिर विवाद पर आम सहमति बनाने की पैरवी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने पिछले महीने कहा था कि इस तरह के संवेदनशील मसलों का हल आपसी सहमति से निकाला जाना बेहतर है। दोनों पक्षों को आपस में हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हो सके तो कोर्ट मध्यस्थता कर सकता है। अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो तो किसी जज को मध्यस्थता का जिम्मा दे सकते हैं। मैं खुद भी इस काम के लिए तैयार हूँ। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की नियमित सुनवाई की मांग हुई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद यूं तो आजादी से पहले का मुद्दा है, लेकिन 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद ये बेहद गर्म रहा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन का विभाजन किया था। 2.77 एकड़ विवादित भूमि के 3 बराबर हिस्से करने का फैसला हुआ। राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और बाकी बचा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।